हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम उज्जवल सिंह जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे यासिर सेरेविन और मिखाइल टाल के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा। एक गेम तो शायद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में मैं एक बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक और गेम थोड़ा मुश्किल था ढूंढना, लेकिन चेस ओलम्पियाड में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 1980 में एक गेम खेली गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यासिर सेरेविन ने यह गेम की शुरुआत की थी C4 के साथ, देन E5, यहाँ मिखाइल टाल ने किया, इंग्लिश ओपनिंग कह सकते हैं। Nc3, Nf6, Nf3, Nc6, इंग्लिश ओपनिंग विद 4 नाइट वेरिएशन विद g3, d5, Ctxd5, Ntxd5, देन हुआ d3, तो बिशप e7, बिशप g2, बिशप e6, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया a3, देन क्वीन गई d7 स्क्वायर पर। माइट भी यहां मिखाइल टाल का इरादा होगा कि वो किसी तरह से यहां बिशप एक्सचेंज करवा ले। बिशप d2, देन हुआ f6, रुक f1। बिल्कुल सही ओपनिंग है, वाइट ने यहाँ प्रिंसिपली सारी ओपनिंग सही है। वाइट ने एग्जैक्टली सही स्क्वायर पर सही फाइल में अपने रुक को प्लेस कर दिया है। रुक एट एफ गोज टू d8, सॉरी, देन हुआ b4, नाइट टेक्स c3, बिशप टेक्स c3, देन बिशप d5, और किसी तरह का कोई एडवांटेज लेने की कोशिश फिलहाल तो नजर नहीं आता। हाँ, नाइट के साथ चलिए देखते हैं। क्वीन गई c2 स्क्वायर पर, देन हुआ a5, तो b5 नाइट पर अटैक बना, ये नाइट गया d4 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स, ओ सॉरी, बिशप टेक्स d4, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नाइट टेक्स d4 होगा, दैट्स ओके। ई टेक्स d4, देन क्वीन गई b2 स्क्वायर पर। मैं नहीं मानता कि इस पॉन पर किसी प्रकार का प्रेशर है, लेकिन हाँ, अपने पॉन पर डिफेंस जरूर है, दोनों ही पॉन्स पर डिफेंस। देन हुआ c6, बी टेक्स c6, बी टेक्स c6, देन a4, तो c5 यहाँ ब्लैक का मूव आया। क्वीन गई c2 स्क्वायर पर। मोस्ट प्रोबली मुझे ऐसा लगता है कि रुक शायद मिखाइल टाल सामने कभी भी बी फाइल में प्लेस कर देते, वही काम अब किया उन्होंने, रुक एट ए गोज टू b8। लेकिन अब यहाँ ब्लैक अगले मूव में आप देखेंगे कि थ्रेट दे रहा है अपने बिशप को b3 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन और पॉन पर अटैक बनाने की। तो यासिर सेरेविन ने यहाँ पहले अपने नाइट को d2 स्क्वायर पर लिया और बिशप के लिए पहले ही कुछ ऑप्शन को खोल कर रखा। देन हुआ बिशप e6, और शायद माइट भी हो सकता है कुछ इस तरह की तैयारियां हो। और अब यहाँ व्हाइट क्या करे, मुझे व्हाइट के लिए बेटर मूव लगता है नाइट को c4 स्क्वायर पर लेकर जाने का। यहां से पॉन पर भी अटैक बनता है, और अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ बिशप टेक c4 की ऑप्शन को ऑप्ट करता है, तो क्वीन टेक c4 विद चेक होगा, किंग h8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन a6, और इस a5 पॉन पर प्रेशर बरकरार रहेगा। लेकिन यहां इस पॉइंट से रुक b1 पहले यासिर सेरेविन ने किया आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, तो रुक b4, रुक एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं, और एक बहुत एग्रेसिव रुक मिखाइल टाल ने एक अच्छे स्क्वायर पर पहुंचा दिया है। रुक टेक्स b4, देन हुआ c टेक्स b4, रुक c1, देन क्वीन गई d6 स्क्वायर पर। क्वीन का d6 स्क्वायर पर जाने से चलिए देखते हैं क्वीन b2, और माइट भी यहाँ यासिर सेरेविन के दिमाग में कुछ इस तरह के मूव रहे होंगे। रुक c8, मिखाइल टाल ने यही काम किया, रुक टेक c8 चेक करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होंगी शायद वाइट को। बिशप टेक c8, देन नाइट b3 स्क्वायर पर, और इस नाइट के लिए मैं कह सकता हूं कि फॉक एक अच्छी वाली, तो क्वीन गई e5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ क्वीन टेक्स d4 होगा तो प्रॉब्लम है क्या कोई? नो नो, यहाँ फिर ये पॉन वाइट के हाथों से चला जाएगा। यहाँ हुआ पहले f4, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन e3 चेक, गिन गया f1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप d8 की ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए थी ब्लैक को, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो पॉन तो कम से कम एक ब्लैक को गंवाना ही पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट, बिशप d5 चेकिंग, f8 स्क्वायर पर आ भी गया, देन क्वीन टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, देन किंग e7। खैर, इस तरह का कुछ ये गेम बढ़ी जा सकती थी आगे, लेकिन पहले g5 के ऑप्शन को ब्लैक ने यहाँ कंसीडर किया। देन हुआ नाइट टेक्स a5, और एक पॉन यहाँ ब्लैक को गंवाना पड़ा, और कह सकते हैं ए फाइल में एक पासर, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल ये पासर नहीं होने वाला। खैर, यहाँ अब क्या जी टेक्स f4 नहीं कर देना चाहिए? ऑप्शन में बुराई तो नहीं थी, लेकिन नाइट आता c4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन जाती कि
e6 स्क्वायर पर देन क्विंटेक्स d4। चलिए देखते हैं एक्चुअल गेम में क्या हुआ था। ये भी कंपोजिशन थी, लेकिन बिशप e6 के ऑप्शन को व्हाइट ने पहले कंसिडर किया, और बिशप e6 का मतलब अगर अगर ये नाइट वापस आने वाला है तो शायद एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं नाइट c6, यहाँ पर पहले फॉक लगाई पॉन्स के ऊपर, मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग फॉक हो सकती है ये वाली। तो ब्लैक को यहाँ अपने बिशप को c5 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ा। देन हुआ नाइट टेक्स b4, जी टेक्स f4, नाइट गया d5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, तो बिशप टेक्स d5, बिशप टेक्स d5 विद चेक, किंग गया g7 स्क्वायर पर। और यहां अगर पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं तो क्वीन को एक चेक मिलती है, और फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन क्वीन b7 चेक व्हाइट का मूव था पहला, और अब क्या क्वीन बीच में लगाई जाए? अगर क्वीन बीच में लगती है तो व्हाइट यहाँ क्लियरली एडवांटेज में होगा। ब्लैक के पास कितने परसेंट चांसेस होंगे यहाँ से ड्रॉ कराने के? थोड़ा कम ही लगता है मुझे यार। यहाँ हुआ था बिशप e7, अपने बिशप को पिन करवाया। देन क्या अब यहाँ व्हाइट के पास ऑप्शन नहीं थी इस पॉन को आगे पुश करने की? थी तो सही, लेकिन बिशप e4 के ऑप्शन को पहले कंसिडर किया गया। देन हुआ किंग f8, तो ताकि बिशप पर यहाँ डिफेंस हो सके। देन क्वीन c8 चेक, किंग गया g7 स्क्वायर पर। देन क्वीन g4 चेक, तो किंग गया f8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स h7, और यहाँ व्हाइट ने अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट दी, तो बिशप को हटाना ही पड़ेगा। अपने किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अब क्या व्हाइट अगर यहाँ क्वीन g8 चेक करेगा तो क्या होगा? किंग e7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन g7 चेक, निकल जाएगा किंग यहाँ से, एक आधा पहुंच जाएगा यहाँ उनके हाथों से। तो ये देखते हैं गेम में यहाँ हुआ था जी टेक्स f4, फाइनली बिशप टेक्स f4, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। देखते हैं किंग गया g2 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस करने के लिए बिशप d6, देन बिशप e4 स्क्वायर पर, क्वीन d2, देन h4। और फ्रेंड्स ये पॉन प्रेशर बनाने के लिए दो ए और एच फाइल के, वैसे मैं इन पॉन्स को बहुत स्ट्रांग तो नहीं मानता, लेकिन ब्लैक के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए काफी स्ट्रांग है। बिशप गया e5 स्क्वायर पर, देन हुआ h5, किंग e7, तो बिशप f3 स्क्वायर पर, किंग d6, देन क्वीन गई g6 स्क्वायर पर, ताकि इस पॉन को एक कदम और आगे पुश किया जा सके, क्वीन f4। और फ्रेंड्स अब मिखाइल टारगेट क्या गेम प्लान है, वो यहाँ एक चेक देंगे, चेक के बाद ही किंग के जाने के लिए f1 स्क्वायर ही अवेलेबल रहेगा, और उसके बाद कुछ चेक्स और आ सकती हैं, और माइट बी रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है। देखते हैं h6, यहां पहले व्हाइट ने चला था, देन हुआ क्वीन h2 चेक, किंग f1 स्क्वायर पर, देन क्वीन h3 चेक, तो बिशप g2, यहां वापस क्वीन पर अटैक करना। और फ्रेंड्स यहां अब ब्लैक क्या करे? क्या वो यहां अपनी क्वीन को मान लेते हैं कि वापस अगर इस e3 स्क्वायर पर लाए, और उसके बाद कुछ रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन को कंसिडर करे? हो भी सकता है, लेकिन मिखाइल टाल ने यहां पहले अपनी क्वीन को c8 स्क्वायर पर प्लेस किया। ये मूव भी ठीक है, रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन तो अभी भी आती है। यहाँ देखो, यहाँ व्हाइट ने पहले अपने किंग को f2 स्क्वायर पर प्लेस किया, ताकि यहां पर किसी प्रकार की कोई चेक ना। क्वीन c1, ये ब्लैक का ऑब्वियस मूव है। देन बिशप गया f3 स्क्वायर पर, ताकि अगली अगर कोई चेक आए तो किंग को मूव किया जा सके। ड्रॉ कराने के पोटेंशियल चांसेस अभी भी मिखाइल टाल के पास हैं। यहां उन्होंने किया क्वीन e3 चेक, किंग के लिए g2 स्क्वायर अवेलेबल है, नीचे जाता तो फिर एक और चेक आती है अगर फर्स्ट रैंक में यहाँ व्हाइट अपने किंग को लेकर जाता है तो क्वीन f4, और फिर दोबारा लगभग वही सीक्वेंस जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अभी जो थोड़ी देर पहले खेला गया था h7। लेकिन इतनी देर में यहाँ व्हाइट ने अपने इस प्रमोटिंग पॉन को सिर्फ एक कदम दूरी पर पहुंचा दिया है। तो अब क्या ब्लैक यहाँ क्वीन g5 चेक की ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर सकता? क्वीन टेक g5 होगा, देन एफ टेक g5, और यहाँ अब ये पॉन आराम से क्वीन तो प्रमोट नहीं होने वाला, और फिर लेकिन फिर भी व्हाइट बहुत फायदे में रहने वाला है। इस तरह का किंग घूमकर आराम से काफी सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। खैर यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन h2 चेक, वही फॉर्मेशन जो अभी थोड़ी देर पहले खेली गई थी। किंग गया f1 स्क्वायर पर, क्वीन h3 चेक, ऐसा लगे कि जैसे लगभग वही गेम अभी दोबारा रिपीट की जा रही है। शायद यासर सरेविन यहाँ अपने किंग को मूव कर सकते थे e1 स्क्वायर पर, और अगर यहाँ किंग e1 स्क्वायर पर जाता देन क्वीन c8, और फिर कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती थी, और पॉन प्रमोट होकर ही मानता ही वाला। खैर यहाँ हुआ था बिशप g2, वही डिफेंस जो अभी थोड़ी देर पहले खेला गया था, क्वीन पर अटैक बना, और अब ये क्वीन कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, e3 स्क्वायर
सेम वही कंडीशन आने वाली है। खैर, क्विन गई थी C8 स्क्वायर पर और यहाँ इस पॉन को प्रमोट होने से कुछ देर के लिए तो थ्रेट दी जाए, तो किंग F2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई चेक ना आए दोबारा से। क्विन C1 वही मूव खेला गया और अगले मूव में क्या तैयारी है, यहाँ पर एक और चेक देने की, लेकिन यहाँ फाइनल मूव यासर सरविन का था बिशप F3। और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल डालने से गेम में रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके पास कोई भी तरीका नहीं है इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर से पर ना पहुंचने देने का। मान लीजिए चलिए इस गेम को यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ब्लैक यहाँ करेगा क्वीन E3 चेक, किंग के लिए G2 स्क्वायर बचेगा, क्वीन G5 चेक होगा, क्वीन टेक्स G5, एफ टेक्स G5, दिस इज द बेस्ट मूव, देन किंग H3। और अगली बार में पहले तो पॉन पर अटैक होगा और किसी भी तरह से यहाँ पर ब्लैक इन दोनों में से किसी भी, बल्कि इन चारों में से किसी भी पॉन को नहीं ले सकता, सारे पॉन्स लाइट स्क्वायर्स पर है और दो पॉन्स के साथ ब्लैक बहुत ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बिशप F3 के मूव के बाद कोई और फायदा था भी नहीं इस गेम को और ज्यादा आगे बढ़ाने का। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि उज्ज्वल सिंह के द्वारा बताई गई ये गेम आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।